सैफी और आप सभी का स्वागत है उमर सैफी ब्लॉग्स में। तो गाइज मेरा ये यूट्यूब पर सेकंड ब्लॉग है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो गाइज अभी टाइम हो रहा है 9:05 हो रहे हैं, तो अभी मैंने 9:05 पर ब्लॉगिंग चालू करी है। चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं, चलिए मैं मिलता हूँ आपको नाश्ते में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नाश्ता आ चुका है। नाश्ते में है ये नहारी जो कल बनी थी, तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। और ये है गाइस चाय और ये है पापे। तो गाइस परांठे, नहारी परांठा है, तो चलिए मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा। गाइस जैसे कि देख सकते हैं तो मैं नहारी आपको चेक करके बताता हूँ। गाइस नहारी का टेस्ट एकदम बाहर वाली नहारी भी फेल है। और गाइस अगर आपको नहारी की रेसिपी जाननी है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं नहारी की रेसिपी की एक अलग वीडियो बनाऊंगा मम्मी के साथ और वो मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ दुकान जाते वक्त। गाइस मैं अभी नाश्ता करने के बाद आ गया हूँ मैंने अपनी दुकान पे और मैंने अभी दुकान खोली है गाइस। तो चलिए मैं आपको दुकान दिखाता हूँ और क्या नाम है बाहर चाचा आम भी बेच रहे हैं, तो आम के भी रेट पता करते हैं आइए। तो गाइस देखिए ये है मेरी दुकान और ये खड़ा हूँ मैं, ये देखिए गाइस। गाइस ये है मेरी दुकान। गाइस चलिए चाचा से पता करते हैं। चाचा क्या रुपए किलो बेच रहे हो? क्या रुपए किलो बेच रहे हो दशहरी आम? रेट क्या रुपए है आम का? 60 रुपए बेच रहे हो। तो डेली आम ही लाते हो? 1 किलो आम करो मेरे, 1 किलो आम करो मेरे। भाई जैसे कि वो देना भाई, चाचा वो देना। हाँ ये तो मीठा होगा। हाँ मीठा ही डालूंगा टन तो। भाई देख सकते हो भाई चाचा ने 1 किलो कर दी है, ये देखिए रख रहे हैं। हो गया 1 किलो। गाइज अभी अम्मी की घर से कॉल आई थी और अम्मी ने कहा कि हमें कुछ सामान लाना है, राशन लाना है घर के लिए। तो गाइज अभी हम चलते हैं राशन लेने और आप कुछ सिनेमैटिक एंजॉय कीजिए। और आपसे मुझे एक बात करनी थी, आप मुझे बताइए मैं किस टाइप के व्लॉग बनाऊं, मतलब आप बताइए मुझे, सजेस्ट करिए कि किस टाइप के मैं कंटेंट लाऊं आपके लिए डेली। ओके कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि किस टाइप के कंटेंट डालें। ओके तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम जा रहे हैं बटला होस, ये और ये मेरे साथ है मुनीप भाई, ये मेरे दोस्त हैं, ये रहते हैं मेरी गली में। सो इन्हें कुछ कपड़े लेने थे तो इन्होंने कहा उमर भाई चलो कपड़े दिलवाने, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं अब हम आ गए हैं भाई की शॉप में। भाई शॉप का नाम क्या है? इंडिया बॉस। तो आप इसको इंडियन डॉट्स, आप इसके ओनर हो जी? तो आपके पास शो क्या नाम है टी शर्ट और ये पैंट्स किस किस रेट में? और ये ट्राउजर जो है जी 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 ओके भाई। तो भाई जैसे ये टी शर्ट देख रहे हैं कितने की होगी? ये वाली आपकी 350 की है और ये 600 की प्रीमियम आर्टिकल इन्वॉइसेस में आपका। भाई जैसे कि देख रहे हैं आपने, इन्होंने बताया
ये 350 की है, वो 600 की है, वो सॉफ्ट फैब्रिक है ये। भाई और भी दिखा रहे हैं, देखिए। तो इनकी ये शॉप जाकिर नगर ओखला में है, रहमानी मस्जिद के सामने। इनकी एक और ब्रांच है, कहाँ पे भाई? वो शाहीन बाग में। वो शाहीन बाग में किधर? एक्सिस बैंक का एटीएम है जहाँ पे जायका जरा। जी, ओके। तो गाइस अगर किसी को भी कपड़े लेने हो तो यहाँ पे आइए, इंडिया डॉट्स पे, ये जाकिर नगर में। आप किसी पूछ लीजिएगा रहमानी मस्जिद, वो आपको इसी दुकान के सामने उतारेगा। चलिए पहले ये कपड़े सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वाली टी शर्ट मुनीब भाई ने ली है और ये टोमी हिलफिगर की है। तो गाइस ये टी शर्ट 850 की है, और क्या नाम है, अगर आप आके यहाँ पे मेरा नाम लोगे उमर सैफ ब्लॉग, तो आपको कितने की लग जाएगी भाई? 500 की लग जाएगी गाइस, ठीक है। और इनका नाम है नूर, और मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और इनकी दुकान का एड्रेस डाल दूंगा, तो यहाँ पे ज़रूर आए। और क्या नाम है, एक जीन्स भी ली है मुनीब भाई ने, वो भी दिखाइएगा भाई, खोलिएगा भाई। ये जीन्स कितने की है भाई? तो ये कितने की लग जाएगी भाई? ये 600। भाई जैसे कि आप देख सकते हैं, ज़ारा की जीन्स है ये 750, और ये आपको अगर आप मेरा नाम लोगे आके यहाँ पे, तो ये आपको 600 की लग जाएगी। ओके, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नूर भाई का नंबर डाल देते भाई ने ये ले लिया जी। भाई और आप भी बताइए कैसा आर्टिकल है। बोल सही लग रहा है, पहनने में बिल्कुल सही है। तो गाइस मैं इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर और दुकान का नाम और भाई का नाम डाल दूंगा, और वो भी डाल दूंगा एड्रेस, तो आप आके यहाँ से ख़रीद सकते हैं कपड़े, ठीक है भाई। सलाम। मुनीब भाई को कपड़े दिला के मैं आ गया था घर। और क्या नाम है, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।